देखें पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन के जॉब्स क्यों नहीं हो सकती, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 15,000 जो बच्चे हैं डेली पैदा हो रहे हैं, और हमारे सालाना भी अगर वो 15,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो यू कैन सी कि वो वर्क फोर्स में भी एंटर हो रहे हैं, और उस वर्क फोर्स के लिए जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट की एक लिमिट है हाउ फार दे कैन गो। प्राइवेट सेक्टर में जो लार्ज कॉरपोरेशन हैं वो भी, उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, उससे वो बढ़ नहीं सकती। तो पूरी दुनिया में यही होता है कि जो 80% जो पॉपुलेशन होती है दे आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस, दे डू समथिंग फॉर देमसेल्फ। अमेरिका की भी जो बैकबोन है वो स्मॉल बिजनेसेस है, जिनकी तादाद, जिनमें वर्किंग करने वाले लोगों की तादाद 50 से भी कम है, जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हमें उस तरफ आना पड़ेगा, माइक्रो बिजनेसेस की तरफ या स्मॉल बिजनेसेस की तरफ, जिनकी तादाद 10-15 लोग हों एवरेज। लेकिन ये है कि माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है, हमें ऐसा माइंडसेट क्रिएट करें जहाँ लोग अपना बिजनेस करना पसंद करें, और उसमें एक तो फ्रीडम है आपके पास, यू हैव अ चॉइसेस टू वर्क फॉर योरसेल्फ, और उसमें मॉनेटरी जो एडवांटेजेस हैं वो भी बहुत हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है यू गेट टू डू समथिंग व्हाट यू रियली लव, और आपकी ये जो लाइफ है इट हैज़ सम पर्पस कि आप अपनी उस चीज़ को डिलीवर कर पाए। हर इंसान हर चीज़ में ठीक नहीं होता, उसकी कुछ चीज़ें खुदादास लाइकें होती हैं जिसमें वो बहुत अच्छा है, और अगर आप अपनी खुदादास लाइकों को जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अदा की हुई हैं आप किसी इंसानियत की बेहतरी के लिए यूज़ करें, और उसको अगर आप प्रॉफिटेबल भी बना लें और उसके साथ बाकी लोग जो छोटे छोटे जॉब्स भी क्रिएट कर दें, तो ये विन विन सिचुएशन है सोसाइटी के लिए भी और आपके लिए भी, तो आप दोनों तरफ से फ़ायदा उठा सकें। तो पाकिस्तान में रिसेंटली ये ट्रेंड आना शुरू हुआ है, अभी इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, स्टार्टअप का कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप की लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसमें अच्छे काम हो रहे हैं, NIC अपना अच्छा रोल प्ले कर रही है। अब उसका जो सिर्फ और सिर्फ मैं जो डिसएडवांटेज देखता हूँ NIC जो है ये बड़े सिटीज में है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, ये जो छोटे शहर सखर है या एक कस्बा है जो 30 किलोमीटर दूर है हैदराबाद से, वहाँ के लोगों को कैसे ये अपॉर्चुनिटी पहुँचाई जाए कि हम ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको स्प्रेड करें थ्रू आउट द कंट्री। इट शुडंट बी सेग्रीगेटेड टू बड़े शहर, जो बड़े बड़े जहाँ पे सोचते हैं टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एज वेल एज इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम के बगैर आप नहीं चल सकते। किसी भी मुल्क को इकोसिस्टम की जरूरत होती है, एस्टोनिया ने 20 साल में वो इकोसिस्टम डेवलप किया, तो इट विल टेक अस अराउंड 20 ईयर्स, हमें तकरीबन 8 साल हुए, 10 साल हुए, हमने इस पर कोशिश करने शुरू की है। आई एम वेरी होपफुल बाई 2030 हम इंशाल्लाह अगले 11 साल के अंदर इस चीज़ को इतने लेवल पे प्रमोट करना शुरू हो जाएंगे कि हमारा जो यूथ है वो इसको बिजनेस को ज़्यादा अहमियत देगा जॉब की तरफ। तो ये माइंड सेट शिफ्ट है, इट टेक्स टाइम, जब भी आप माइंड को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी बहुत बड़ी सोसाइटी का, इट टेक्स लिटिल टाइम, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल।